Apart from cricket and or hockey, some of the stick and ball games that uh, I have witnessed or heard of. और गोफ स्कॉश एंड पोलो ऐसे बहुत सारे खेल क्रिकेट और हॉकी के अलावा जिनमें स्टिक और बॉल इस्तेमाल होती हैं जो मैंने खुद विटनेस की हैं या जो मैंने जिनके बारे में मैंने सुना है दैट इज़ गोफ जो एक हॉकी की तरह एक खेल होता है एंड देन दियर इज़ स्कॉश सकॉश भी कोई एक और खेल होगा जिसमें स्टिक और जो बॉल का इस्तेमाल होता है एंड देन दियर इज़ पोलो पोलो घोड़ो घोड़े पर खेली जाती है जिसको जोगान कहा जाता है इसके अलावा जो रीजनल गेम्स होती हैं जैसे हमारे यहाँ पर जो वो गली डंडा होता है उसमें भी वो स्टिक और वो एक लकड़ी छोटी सी वो इस्तेमाल होती है तो दैट इज़ सम हाउ लाइक दिस स्टिक एंड बॉल गेम या दूसरे कुछ गेम्स भी इस तरह की होंगी तो ये पहला क्वेश्चन है इसके बाद जो इसका दूसरा क्वेश्चन है द पॉर्सीज वाई द फर्स्ट इंडियन कम्युनिटी टू टेक टू क्रिकेट वाई पारसी ऐसी पहली कम्युनिटी थी हिंदुस्तान की ऐसे पहले लोग थे जिन्होंने ये क्रिकेट खेला तो ये पहले लोग ऐसे क्यों थे जिन्होंने ये गेम जो है इसको सीखना शुरू कर दिया द पारसीज़ वैद द फर्स्ट इंडियन कम्युनिटी टू टेक टू क्रिकेट इट वज़ बिकॉज ऑफ देयर इंटरेस्ट इन ट्रेड विद द ब्रिटिशर्स पारसी ऐसी पहली कम्युनिटी थी जिन्होंने इस खेल को खेलना शुरू कर दिया क्योंकि ये ऐसे पहले लोग थे जिन्होंने अंग्रेज़ों के साथ तजारत शुरू की तो चूँकि अंग्रेज़ों के साथ जब इनका एक कंटैक्ट डेवलप हो गया एक इंटरेक्शन डेवलप हो गई तो वक्त के साथ साथ उन्होंने अंग्रेज़ों से ब्रिटिशर्स से ये खेल सीख लिया और पहले ये कम्युनिटी थी हिंदुस्तान की ऐसे पहले लोग थे जिन्होंने ये खेल खेला इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है द रवैली बिटवीन द पारसीज एंड द बम्बे जमखाना हैड ए हैप्पी एंडिंग फॉर द फॉर्मर वट डज हैप्पी एंडिंग रेफरस टू जो राइवलरी हुई पारसियों और जो बम्बई जिम खाना जो एक इंग्लिश क्रिकेट क्लब था इनके दरमियान तो इसकी हैप्पी एंडिंग कैसे हो गई और हैप्पी एंडिंग यहाँ किस चीज़ की तरफ रेफ़र करती है पी एंडिंग हेयर रेफर टू द विक्टी ऑफ द पारसीज हैप्पी एंडिंग से यहाँ मुराद हैं जो पारसीियों को एक विक्ट्री मिल गई एक कामयाबी मिल गई क्रिकट टीम और द बम्बई जम खाना जो पारसीयों का क्रिकट टीम था उसकी जो बम्बई जम खाना जो अंग्रेजों का क्रिकट टीम था उसके ऊपर जो कामयाबी मिल गई इन एटीन एटी नाइन अट्ठारह सौ उनानवे में द पारसीज ऑल्सो बिल्ट दियर ओन जम खाना जो पारसीज थे उन्होंने फिर अपना जो जम खाना अपना जो क्रिकेट क्लब है वो बनाया एंड टू प्ले क्रिकेट क्रिकेट खेलने के लिए दियर वहाँ पे ड्यू टू दियर राइवलरी बिटवीन विद बम्बई जम खाना क्लब क्योंकि जब बम्बई जम खाना क्लब अंग्रेज़ों के साथ उनकी एक राइवलरी हो गई और उन्होंने उनको अपने स्टेडियम या अपने ग्राउंड में जो खेलने नहीं दिया तो पारसीयों ने अपना एक अलग जिम खाना बनाया और वहीं पर वो क्रिकेट खेलने लगे क्वेश्चन नंबर फोर

आई थिंक क्रिकेट ओज इट प्रेजेंट पॉपुलरिटी टू टेलीविज़न मैं ये मानता हूँ कि आज की जो पॉपुलरिटी है क्रिकेट की टेलीविज़न में इसका बड़ा हाथ है तो टेलीविज़न का इसमें बड़ा हाथ है इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ इट्स प्लेड एंड इंटरेस्ट ऑफ किड्स एंड यूथ इन क्रिकेट इज लॉर्जली बिकॉज ऑफ टेलीविज़न जो क्रिकेट के बारे में लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल गई कि कैसे खेल खेला जाता है और जो फिर जो छोटे बच्चों का या जो जवान तबका है यूथ हैं उनका क्रिकेट में जो डेवलप इंटरेस्ट डेवलप हो गई इट इज़ बिकॉज ऑफ़ टेलीविजन क्योंकि उन्होंने टी वी पे ही ये गेम देखा एंड मीडिया और जो दूसरा मीडिया है रेडियो या दूसरा जो प्रिंट मीडिया है द यूथ एंड किड्स फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ कंट्री सी अप्रिशिएट एंड ड्रीम ऑफ बिकमिंग क्रिकेटर्स बिकॉज ऑफ मीडिया एंड टेलीविजन और जो फिर इंडिया में या जो दूसरे कंट्रीज में जो यूथ हैं उन्होंने ये क्रिकेट को अप्रिशिएट करना शुरू कर दिया और फिर ड्रीम करने लगे कि वो भी वैसे ही क्रिकेटर्स बने जैसे ये क्रिकेट स्टार्स हैं बिकॉज ऑफ मीडिया एंड टेलीविज़न और इसका जो सबसे बड़ा रीज़न है मीडिया और टेलीविज़न क्योंकि हर कोई तो इंटरनेशनल क्रिकेट वो नहीं देख सकता फिर टेलीविज़न की ही वजह से लोगों ने ये खेल सीखा इसके बाद वाई वाई हैज़ क्रिकेट है लार्ज व्यवरशिप इन इंडिया नॉट इन चाइना और रशिया क्रिकेट की इंडिया में क्यों इतनी ज़्यादा व्यवरशिप हैं क्यों इतने ज़्यादा लोग इस खेल को देखते एंड नॉट इन इंडिया एंड चाइना और इंडिया में चाइना में इंडिया और चाइना में ऐसा क्यों नहीं है <coughs> <coughs> क्रिकट हैज़ ए लार्ज वीअरशिप इन इंडिया बट नॉट इन कंट्रीज़ लाइक चाइना और रशिया क्रिकेट की ज़्यादा जो वीवरशिप हैं जो इसके ऑडियंस हैं वो इंडिया में हैं और चाइना और रशिया में ऐसा नहीं है बिकॉज दे वायर नेवर कॉलोनाइज बाई द ब्रिटिश क्योंकि उन कंट्रीज़ को कभी कॉलोनाइज़ किया गया, नहीं किया गया ब्रटिश ब्रटिशर्स ने खासकर जो चाइना है वो कुछ टाइम के लिए ब्रिटिशर्स की कॉलोनी रही लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं रही लेकिन जो रशिया है वो कभी भी कॉलोनाइज नहीं हुई वहाँ पर किसी भी किसी ने कभी कोई कब्जा नहीं किया खासकर अंग्रेज़ों ने तो बिल्कुल नहीं अनलाइ इंडिया इंडिया वैसे जो था इंडिया दो सौ ढाई सौ साल तक अंग्रेज़ों के मातहत रहा इंडिया आलमोस्ट प्लेड दिस गेम्स सिंस टू हंड्रेड टू टू फिफ्टी ईयर्स और जो इंडियंस हैं उन्होंने तकरीबन आज से दो सौ या ढाई सौ साल पहले से ये खेल जो हैं ये खेलना शुरू कर दिया तो चूँकि इंडिया अंग्रेज़ों के मातहत काफ़ी वर्षे तक रहा तो इसलिए ये खेल जो है ये हिंदुस्तानियों ने अंग्रेज़ों से ही सीखा इसके बाद जो क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द गेम्स क्रिकेट इक्विपमेंट तो क्रिकेट में जो इक्विपमेंट जो इसमें ज़रूरी साजो सामान जो इसमें चाहिए तो वो क्या होता है द इक्विपमेंट टू टू क्रिकेट मीनज द एक्सेसरीज़ तो इक्विपमेंट जो जो चाहिए क्रिकेट में जो इसमें कुछ ज़रूरी साजो सामान है इससे मुराद एक्सेसरीज ऐसी कुछ चीज़ें यूज यूज ड्यूरिंग द गेम <coughs> जो गेम के दौरान इस्तेमाल होती हैं दिस इंक्लूड्स द बैट बॉल स्टैप्पस एंड आल्सो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इसमें बैट बॉल स्ट्स प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट सच है ग्लाउ्ज़ हेलम्ट पैडस एट्सटा चाहे फिर वो ग्लाउज़ हैं चाहे फिर वो हेलमेट्स हैं या जो पैड्स होते हैं जो प्रोटेक्टिव गियर होता है प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता, होता है तो वो चीज़ें इसमें चाहिए और इसके अलावा बैट बॉल जो होता है और जो स्टैप्स विकेट्स जो होते हैं तो ये ऐसी जो इक्विपमेंट होता है ऐसा साजो सामान जो इस खेल में चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज़ uh, टेस्ट क्रिकेट ए यूनिक गेम इन मनी वेज कैसे जो टेस्ट क्रिकेट है वो एक यूनिक गेम है एक मुनफरद गेम है बहुत सारे तरीक़ों से टेस्ट क्रिकेट इज़ ए यूनिक गेम इन मनी वेज़ लाइक इट कैन बी प्लेड फॉर फाइव डेज टेस्ट क्रिकेट ऐसे यूनिक है कि ये खेल जो है ये पाँच दिन तक खेला जाता है एंड स्टिल एंड सॉट ड्रा और फिर भी ये गेम ड्रा हो सकता है इसका कोई नतीजा नहीं निकल सकता मोस्ट ऑफ द अदर गेम्स डो नॉट टेक सो मच टाइम बहुत सारे जो दूसरे खेल हैं वो इतना टाइम उनमें नहीं चाहिए इ फुटबॉल मैच गेट्स ओवर इन एन आवर एंड अ हाफ अगर हम सपोज़ फ़ुटबॉल uh, या हॉकी या दूसरे जो गेम्स हैं उनकी बात करेंगे वो तकरीबा आध घंटा या एक घंटे में वो पूरा जो मैच है वो कम्प्लीट हो जाता है उसका रिज़ल्ट आ जाता है लेकिन जो टेस्ट क्रिकेट है उसमें तकरीबा आपको पाँच दिन चाहिए और फिर भी ये जो गेम है ये ड्रा हो जाता है कभी कभी तो इसके बाद जो क्वेश्चन है हाउ इज़ क्रिकेट डिफरेंट फ्रॉम अदर टीम गेम्स कैसे जो क्रिकेट हैं वो दूसरे टीम गेम्स से कैसे अलग हैं कैसे मुनफरद हैं इसमें क्या ऐसी खसूसियत हैं क्रिकेट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर टीम गेम्स बिकॉज ऑफ़ मनी रीज़नज़ क्रिकेट दूसरे गेमों की से मुख्तफ हैं इसके बहुत सारे ऐसे रीज़नज हैं वजूआत हैं लाइक द लेंगत ऑफ द क्रिकेट पिच इज़ डिफ डिफाइन टू बी ट्वेंटी टू यार्डस जो पिच होता है क्रिकेट में उसका जो लेंगत जो होती है वो तो ट्वेंटी टू टु यार्डस तो होगी वो उसको आप चेंज नहीं कर सकते बट द शेप ऑफ द ग्राउंड आर क्रिकेट इज़ नॉट डिफाइनड लेकिन जो फिर ग्राउंड की जो शेप होती है या जो इसका साइज होता है वो ज़्यादा कोई उसमें कोई डेफिनेशन नहीं होती उसमें चेंजेस आती रहती हैं इट कैन बी एन ओवल पिच कहीं कहीं पे जो पिच होता है जो ग्राउंड होता है वो ओवल सर्कुलर होता है या एक अंडे की तरह होता है और सर्कुलर वन या बिल्कुल सर्कुलर ही होगा या कहीं कहीं पर वो इलिप्टिकल या वो चकोर ट्रेंगुलर रेक्टेंगल बेसड उस टाइप का हो सकता है इन मोस्ट ऑफ द अदर गेम्स द पिच डायमेंशन आर स्पीसफाइड लेकिन जो दूसरे गेम्स हैं अगर आप टेनिस की हॉकी की या फुटबॉल की बात करोगे उसमें जो पिच की जो डायमेंशन होती है आपका पिच कैसा होगा वो बिल्कुल फिक्सड है उसको आप चेंज नहीं कर सकते वहाँ पे ऐसा नहीं चलता क्रिकेट में तो जो आपका जो ये पिच जो है वो बाई ट्वेंटी टू याड्स का होगा लेकिन जो ग्राउंड हो जो हो, हो, होगा उस स्टेडियम जो होता है उसका कोई उसकी कोई डेफिनेशन नहीं होती उसका कोई फिक्सेशन नहीं होती इसके बाद जो इसमें एक और क्वेश्चन है दैट इज़

आर नाउ मेड ऑफ़ मेटल एंड सिथीटिक मटीरियल टू कैरी पेडस एंड गलोज़ आर मेड ऑफ़नाइज रबर तो इसमें जो सबसे जो इंप्रोवाइजेशन आ गई वो जो पैडस हेलमेट्स होते हैं वो अभी लाइट मटीरियल के आ गए पहले वो भारी मटीरियल के आते थे और जो उनको, उनको कैरी करना मुश्किल हो जाता था लेकिन अभी वो सिंथटिक मटीरियल के आते हैं या प्लास्टिक के या दूसरी चीज़ों के और जो पैडस और गलव्ज़ जो होते हैं वो भी एक वल्कनइज रबर जो होता है उसके आते हैं दैट मीनस वो तो कैरी करना है और इनको पहनना दूसरी चीज़ें तो अभी ये ज्यादा सेफ्टी में एंड फाइनली द लास्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन हाउ क्रिकेट चेंजड विद चेंजिंग टाइम्स एंड याट रिमीनड अनचेंजड इन सम वेज़ आपको बताना है कि कैसे क्रिकेट वक्त के साथ साथ तब्दील हो गया लेकिन जो इसमें फंडामेंटल जो चीज़ें हैं वो वैसे ही रही उनमें कोई चेंज नहीं आई क्रिकेट है चेंज इन मनी प्रस्पेक्टिव क्रिकेट में बहुत सारी जो परस्पेक्टिव के हिसाब से तब्दीली आ गई लाइक टेक्नोलॉजी मेड इट सेफ़र खासकर अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करेंगे जिसकी वजह से ये गेम अभी सेफ़र बन गई इसमें ज़्यादा सेफ्टी आ गई विद द मीडिया एंड टेलीविज़न अराउंड चूँकि अभी जो मीडिया और टेलीविज़न का जो एक वोग है इट गेन इंक्रीजिंग पॉपुलरिटी इस गेम को एक बहुत ज़्यादा एक पॉपुलरिटी शोहरत मिल गई इट आल्सो न्यू फार्मेट सच एज टी ट्वेंटी हेज़ बीन इंट्रोड्यूसड और इसमें फिर जो न्यू फार्मेट्स जो वन डे और टी ट्वेंटी और अभी जो टी टेन है वो इसमें इंट्रोड्यूस किए गए या इट रिमेन इट अनचेंज लेकिन अगर हम देखेंगे फंडामेंटली ये गेम अनचेंज रही इसमें कोई तब्दीली वैसी नहीं आई इन मनी वे इज़ लाइक बहुत सारी वजूहत की बिना पर अगर हम देखेंगे मोस्ट ऑफ इट्स रूल्स एंड रेगुलेशन कंटिन्यूट भी द सेम इसके जो फंडामेंटल रूल्स एंड रेगुलेशन वो वैसे ही रही एंड द गेम इज़ प्लेड इन द सेम वेज एज इट वॉज प्लेड इन इट्स ऑरिजन और ये जो गेम है ये आलमोस्ट वैसे ही खेली जाती हैं जैसे ये अपने शुरुआत के दिनों में आगाज के दिनों में ये गेम खेली जाती थी तो इसमें वैसे कोई जो फंडामेंटल चेंजेस नहीं लाई गई गेम की जो असल सुपरेट है नेचर है वो वैसे ही रही जैसी ये पहले थी सो डियर स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने देख लिया इसमें जो टेक्सचुअल uh, कोश्चन थे इसके बाद इसमें जो लैंग्वेज वर्क बेस्ड कोशनज़ हैं एंड देन देयर इज़ इसमें जो राइटिंग और स्पीकिंग बेस्ड कोशनज़ हैं या दूसरी जो ग्रामर बेस्ड कोशनज़ हैं वो हम अगले वीडियो में देखेंगे उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसको ज़रूर शेयर करें सब्सक्राइब करें और अपनी व्यू दे ताकि जो और नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ हैं वो भी आप तक पहुँच सके विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू